महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम फिर से जयपुर से मुंबई शिफ्ट हो गया है, जहां पिछले 6 दिन से जयपुर में रहे सभी कांग्रेसी विधायकों को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया। होटल ब्यूना विस्टा से एक बस में सवार होकर सभी विधायक एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से चार्टर प्लेन से मुंबई के लिए रवाना हुए। महाराष्ट्र के विधायकों को जयपुर लाने के मुख्य सूत्रधार अविनाश पांडे ने उनकी रवानगी से पूर्व मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही गैर बीजेपी सरकार बनेगी, जिसके लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच वार्ता चल रही है। पांडे ने साथ ही कहा कि कांग्रेस गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए सभी दलों के साथ चलेगी, लेकिन पार्टी के मौलिक सिद्धांतों के आधार पर ही समर्थन दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने अविनाश पांडे से खास बातचीत की। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम का गवाह बनी राजधानी जयपुर का आज सियासी घटनाक्रम मुंबई शिफ्ट होने जा रहा है। जयपुर में पिछले 6 दिन से महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम विधायक जयपुर ठहरे हुए थे। आज रिसोर्ट से उनकी विदाई हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम विधायकों को यहाँ से आप देख सकते हैं जो बस है, इस बस से एयरपोर्ट पहुँचाया जाएगा। एयरपोर्ट से सीधे मुंबई ये तमाम जो विधायक हैं वो चार्टर प्लेन से रवाना होंगे। राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे हैं, वो इनके साथ मुंबई जाएंगे। हालांकि जिस स्थिति में जिस तरह से तमाम विधायक यहां पर पहुंचे थे, हालांकि किसी को कोई सूचना उस समय नहीं थी, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से तमाम विधायकों की विदाई हो रही है। यहां से उन्हें मुंबई पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी, पांडे साहब 6 दिन तक लगातार महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक जयपुर में रहे, काफ़ी आपकी तरफ से उनकी पूरी व्यवस्था की गई, किस तरह का मैनेजमेंट रहा, लेकिन कुछ निर्णय पर कांग्रेस नहीं पहुँच पाई? निश्चित रूप से निर्णय पर पहुँची है, तभी तो यहाँ सब जा रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व कल मुंबई गया था माननीय शरद पवार जी के साथ में, और माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ में भी उन्होंने अपने संपर्क स्थापित किए और ऐसा निर्णय किया गया कि आने वाले 2-4 दिनों में बैठकर इसके ऊपर में कैसी हम स्थायी सरकार दे सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। माना जाए कि शिवसेना के साथ कांग्रेस सरकार बनने जा रही है? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में निर्णय करता है, लेकिन संपर्क में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संपर्क में है, और केंद्रीय नेतृत्व के जो हमारे पर्यवेक्षक थे वो दिल्ली जाकर माननीय सोनिया जी से चर्चा विमर्श करेंगे, CWC में चर्चा करेंगे और जो निर्णय होगा वो जाहिर करेंगे। राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लग चुका है, अब आगे की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस अभी इंतजार करेगी या फिर अभी कुछ दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश मिलकर करेगी? निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी की हमारे माननीय गवर्नर साहब ने, जो कि लोकतंत्र की परिभाषा के विपरीत है, और उनको पूरा समय देना था, एक अवसर पूरा प्रदान करना था सभी पार्टियों को, और उसके बाद में अगर असंभव दिखता और निर्णय लेते तो बेहतर होता। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भले ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में गैर भारत भाजपा सरकार महाराष्ट्र में स्थापित होने वाली है। कांग्रेस गैर भाजपा सरकार बनाने के पक्ष में है पूरी तरह से? निश्चित रूप से। शिवसेना भी सुप्रीम कोर्ट गई है सर इसी मुद्दे को लेकर? जी, उसमें क्योंकि वो एक्शन ही इस प्रकार से हुआ है कि जो कानून में मैं समझता हूँ कि आपत्तिजनक है। तो ये थे राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे, जो इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार रहे हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम विधायकों को जयपुर लाना हो, उनकी यहाँ पर किस तरह मॉनिटरिंग करनी हो, दिल्ली से जो यहाँ का पूरा संदेश लेकर दिल्ली गए, दिल्ली से सोनिया गांधी का आलाकमान का संदेश लेकर विधायकों से चर्चा की, तमाम इस रणनीति के सूत्रधार रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, और जिन्होंने साफ कहा है कि महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पूरा सपोर्ट दूसरे दल को करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर।